हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पिछले वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और कितनी पार्टीज होती है, कब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू होता है, कौन इशू करता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सबसे पहले देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, या फिर बोल सकते हैं प्रोमिसर। ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जिसको पैसा मिलने वाला होता है वो। जिसको पैसा मिलने वाला होता है वो क्या होता है? क्रेडिटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे, जो जब भी मैच्योरिटी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग केसेस बनते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग केसेस में जनरल एंट्रीज को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो सबसे पहला है व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड बाय द रिसीवर विथ हिम टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी रिसीवर है, यानी कि हम हैं, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करके रखा हुआ है। कब तक रखा हुआ है? जब तक बिल की मैच्योरिटी नहीं आ गई तब तक। अब दोस्तों, जब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करके रखा है, तो आप मेरे को बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? डेफिनेटली एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि हमको पैसा मिलने वाला है। जब भी हमें कुछ मिलने वाला रहता है वो हमारे लिए एसेट होता है। जब भी हमें कुछ पे करना पड़ता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हमारे लिए एसेट है। तो जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करूँगा तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? एसेट क्या होता है? डेबिट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर मैं बोल सकता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज को, अगर मेरे पास पैसा आने वाला है तो ये मेरे लिए हो गया रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू टू किसको करूंगा मैं? कौन मेरे को पैसा देने वाला है उसका नाम ही लिखूंगा ना मैं यहां पर। तो जब मैं बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करूंगा तो डेटर को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि डेटर से मुझे बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, यानी कि डेटर उसमें साइन करके एक्सेप्ट करके दे रहा है। यानी कि अब जो है मेरा डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में। तो एंट्री क्या पास होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जब भी बिल हमको मिला तब, जब भी बिल रिसीव होता है तब, उसके बाद जब बिल मैच्योर होगा तो हमारा डेटर हमें पैसा देगा, तब हम क्या एंट्री मारेंगे? जब हमें डेटर पैसा देता है तब हम एंट्री मारते हैं कैश, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट मारते हैं। जब डेटर पैसे देता है तब टू डेटर अकाउंट मारते हैं। लेकिन यहाँ पर डेटर का अकाउंट तो है ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि डेटर को तो हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर लिया है पहले वाली एंट्री में। तो अब हमारे पास कौन सा अकाउंट बचा है? बचा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और हमें पैसा किसके बदले मिल रहा है? बिल्स रिसीवेबल के बदले मिल रहा है। तो अब की बार जो एंट्री होगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री होगी। आई होप आपको ये पहला चीज समझ आ रहा हो कि जब भी कोई भी बिल मैच्योरिटी पे रियलाइज होता है तो उसकी क्या एंट्री पास होती है। तो जब भी बिल हम लेते हैं तो हम बिल रिसीवेबल टू डेटर मारते हैं, और जब भी बिल हम बिल का पैसा हमें मिलता है तो हम कैश या बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल की एंट्री पास करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने बिल को बैंक में दिया है कलेक्शन होने के लिए, यानी कि आपको बिल दिया तो आपने क्या एंट्री मारा? आपने एंट्री मारा होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब आपने उस बिल को बैंक को दे दिया, आपने बोला बैंक ये बिल रख, जब भी सामने वाली पार्टी आएगी तो ये पैसा लेके मेरे अकाउंट में डाल देना। तो बैंक बोलता है ठीक है। तो अभी आपने क्या एंट्री मारी होगी? बिल्स रिसीवेबल क्या आपके पास है? नहीं है। तो सबसे पहले आपको बिल्स रिसीवेबल को अपने अकाउंट से हटाना होगा, डिसकंटिन्यू करना होगा। तो आप बिल्स रिसीवेबल को करोगे क्रेडिट। लेकिन अभी बिल्स रिसीवेबल के बदले आपके पास क्या आया है? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, यानी कि जब भी आप बिल को कलेक्शन के लिए भेजते हो तो आपके लिए एसेट हो गया है ना। तो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी जब भी आप बिल को कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजोगे।
और फिर जब भी पार्टी बैंक को पैसा देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा और बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। सिंपल है। जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट में क्या होता था, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता था, फिर पैसा मिलता था तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होता था, तो यहाँ पर भी वही करना है, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन को करना है डेबिट और जब भी पैसा मिलेगा तो बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन को करना है क्रेडिट। इसके बाद अगर आपने बिल को डिस्काउंट करा लिया, यानी कि अगर आपने बिल को बैंक में दे दिया, यानी कि आपने समय से पहले बिल का पैसा बैंक से ले लिया, तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट कराना। तो जब भी आप बिल डिस्काउंट कराते हो बैंक आपसे चार्जेस लेता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो अभी आपके पास क्या क्या एंट्री में आएगा, बैंक ने आपको पैसा दिया किसके बदले दिया, बिल्स रिसीवेबल के बदले, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। और क्रेडिट क्या होगा पता है, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा फुल अमाउंट से, और यहाँ पर जो भी डिफरेंस बचेगा वो जाएगा आपका डिस्काउंट अकाउंट में। तो जब भी आपका बिल डिस्काउंट होगा तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, आई होप आपको ये एंट्री समझ आई होगी, बिल डिस्काउंटेड करते समय कौन सी एंट्री को पास करना है। इसके बाद आते हैं मैच्योरिटी में। अगर बिल डिस्काउंट आप करा रहे हो तो मैच्योरिटी में क्या एंट्री मारोगे, कोई भी एंट्री नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारोगे, क्योंकि आपके बैलेंस शीट से बिल्स रिसीवेबल तो चला गया, डेटर्स भी चला गया और बैंक में पैसा भी आ गया, तो आपको तो कुछ बचा ही नहीं एंट्री मारने के लिए। तो अब एंट्री कौन मारेगा, बैंक मारेगा। हमको क्या करना है, हमने बैंक को बिल्स रिसीवेबल दे दिया, बैंक ने हमें पैसा दे दिया, भैया हमारा कहानी खत्म। अब हमें मैच्योरिटी में कोई भी एंट्री नहीं मारनी है। सिमिलरली अगर मैं बिल को एंडोर्स करता, एंडोर्स करने का मतलब होता है कि मैंने बिल किसी और पार्टी को दे दिया, तो सबसे पहले जब भी मेरे पास बिल आता है तो मैं क्या एंट्री मारता हूँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कि मेरे पास बिल आ गया। अब मैंने बिल किसी और को दे दिया तो मैं बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा, पहले डेबिट किया था जब लिया था तब, अब जब दे रहा हूँ तो क्रेडिट कर दूंगा, तो बिल्स रिसीवेबल को कर दूंगा क्रेडिट, और जिस भी पार्टी को मैं दे रहा हूँ उसका बैलेंस कम करने के लिए उसको कर दूंगा मैं डेबिट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो यहाँ पर एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट खत्म हो गया और क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैच्योरिटी में कोई भी एंट्री नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बिल है ही नहीं, हम क्या हमने क्या किया, क्रेडिटर को बिल दे दिया और हमने उसका बैलेंस कम कर लिया, हमारा कहानी खत्म हो गया। यानी कि अब जो भी एंट्री मारना होगा वो क्रेडिटर मारेगा और जो पैसा दे रहा होगा वो मारेगा, हमें इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। इसके बाद अब हम जनरल एंट्री सीखेंगे कि एक्सेप्टर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ड्रॉवी या फिर बोल सकते हैं प्रोमिसर, यानी कि जिसको पैसा देना है वो क्या एंट्री मारेगा। अभी तक हम पैसा लेने के हिसाब से एंट्री मार रहे थे, अब हमको पैसा देना है तो हम कैसे एंट्री मारेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें पैसा कब देना पड़ सकता है, जब हमने कोई चीज परचेस की होगी तब देना पड़ सकता है ना। जब हमने परचेस किया तो हमें पैसा देना था लेकिन हम बोले कि हम तुमको 3 महीने बाद पैसा देंगे, तो सामने वाले ने हमारे से बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करवा लिया। अब जब भी हमको हमारे लिए कोई भी अमाउंट पेएबल रहता है तो हम उसको बिल्स पेएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल, यानी कि हमें पैसा देना है। तो जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे बिल को, अगर हमको किसी को पैसा देना है तो वो हमारे लिए क्या हुआ, क्रेडिटर, क्रेडिटर हुआ, हम क्या हुए, डेटर, क्योंकि हमें पैसा देना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पैसा देना है किसी को तो सामने वाला क्या हुआ, क्रेडिटर, तो आप क्या हुए, डेटर। तो सामने वाला क्रेडिटर को हमें पैसा देना है तो हम एंट्री मारेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि हमने बिल को साइन कर दिया। तो सबसे पहला एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैच्योरिटी होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट को वापिस से क्लोज कर देंगे डेबिट करके, क्योंकि पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट करेंगे, और बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। सिंपल है। अब यहां पर देखिए एक फुल फ्लेज जो है कॉलम बना हुआ है, अगर आप इसको समझ लेते हो ना तो आपने पूरी जनरल एंट्रीज को समझ लिया। अब मान के चलो यहां पर ट्रांजेक्शन दिया हुआ है,
ये बुक्स ऑफ क्रेडिटर है या फिर ड्रॉवर बोल सकते हो, और यहाँ पर बुक्स ऑफ डेटर या फिर एक्सेप्टर बोल सकते हो, क्योंकि क्रेडिटर्स बिल को ड्रॉ करता है और डेटर बिल को एक्सेप्ट करता है। पैसा किसको देना रहता है? पैसा देना रहता है हमेशा डेटर्स को। पैसा लेता कौन है? हमेशा क्रेडिटर्स पैसा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। सबसे पहला लिखा है कि जब भी वो बिल्स को रिटेन करके रखता है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और फिर उसको कलेक्ट कर लेता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप क्रेडिटर हो तो आप डेटर का अकाउंट डेबिट करोगे और बिल्स पहले तो डेटर टू सेल्स एंट्री मारोगे आप। सेल और परचेस हुआ होगा ना, तो क्रेडिटर ने जो है वो सेल किया होगा, तो वह एंट्री मारेगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर जो ये बिल जिसने एक्सेप्ट किया है उसने परचेस किया होगा, तो वो एंट्री मारेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। फिर दूसरी एंट्री जब भी बिल आया होगा तो ये डेटर जो है डेबिट हुआ था ना, ये हो जाएगा क्रेडिट और यहाँ आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली यहाँ जो क्रेडिटर जो हुआ था क्रेडिट, वो हो जाएगा डेबिट और अब आ जाएगा बिल्स पेएबल। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा वापिस से क्रेडिट में, और यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और यहाँ पर बिल्स पेएबल ऊपर में क्रेडिट था तो नीचे हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा कैश और बैंक। मैंने इसको अच्छे से आपको ऊपर समझाया है, यहाँ पर उसी एंट्रीज को एक साथ कंपेयर करके दिखाया ताकि आपको डाउट ना हो। फिर अगर हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया है, ठीक है, अगर हम डेटर हैं तो हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ डेटर यानी कि हमको पैसा देना है, सबसे पहले एंट्री हम मारेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये तो एंट्री हम मारने ही वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल मारेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सामने वाली पार्टी बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए दे रही है तो हमें क्या लेना देना? हमें तो खाली पैसा देने से मतलब है, फिर चाहे हमें पार्टी को पैसा देना पड़े या बैंक को पैसा देना पड़े, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना, हमें तो पैसा देना ही है। तो हम कोई भी एंट्री नहीं मारेंगे अगर सामने वाली पार्टी बिल्स को कलेक्शन के लिए भेज रही है तो। सामने वाली पार्टी बिल कलेक्ट करने के लिए बैंक में दे रही है, अरे भाई तेरे को बैंक को देना, बैंक को दे, इंश्योरेंस को देना, इंश्योरेंस को दे, जहां माथा लगाना है लगा, लेकिन मेरे को जहां पैसा देना होगा वो आदमी आखिरी में मेरे पास आके पैसा मांगेगा, मैं उसको पैसा दे दूंगा। सिंपल है, फिर चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी बिल्स फॉर कलेक्शन की अगर आपको पैसा देना है तो, और फिर जब मैच्योरिटी होगा तो बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, सिंपल है। लेकिन अगर आपको पैसा लेना है, अगर आपको पैसा सामने वाली पार्टी से लेना है और आपने बिल कलेक्शन के लिए बैंक में दिया है, तो एंट्री पास होगी सबसे पहली डेटर टू सेल्स यानी कि सेल की एंट्री पास होगी, फिर बिल्स रिसीवेबल टू डेटर यानी कि बिल्स रिसीव करने के लिए हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसके बाद जो है बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब हम बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन को एसेट बना देंगे और बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ सारे अकाउंट क्लोज होते जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले ये डेटर्स अकाउंट क्लोज हो गया डेबिट क्रेडिट, फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया, और फिर बिल्स फॉर कलेक्शन बचा तो ये यहाँ पर क्लोज हो गया डेबिट और क्रेडिट। बचा क्या? बैंक से सीधा पैसा आया वो बचा, और हमारा सेल्स अकाउंट बचा, सिंपल है। यहाँ पर भी देखिए, क्रेडिटर्स आया, क्रेडिटर्स गया, बिल्स पेबल आया, बिल्स पेबल गया, कहानी खत्म। बचा क्या? परचेज बचा और बैंक बचा। ठीक है, तो अभी जब हम बिल को डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, हम डिस्काउंट करा रहे हैं तो हम एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन दोस्तों, जब हमें पैसा पे करना है तो जब सामने वाली पार्टी बिल डिस्काउंट करा रही है तो क्या हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब, हमको तो बैंक को 1 लाख ही देना है, फिर चाहे बैंक और वो पार्टी कुछ भी करे आपस में, चाहे वो बिल डिस्काउंट कराया है, जो भी कराया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें 1 लाख देना है, हम 1 लाख देंगे, फिर चाहे बैंक लेने आए चाहे कोई भी लेने आए। तो हमको कोई भी एंट्री नहीं मारनी है डिस्काउंटिंग की। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब भी आपको पैसा किसी को देना है, जब भी आपको पैसा किसी को देना है, तो आपको कोई भी बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं मारनी है, और कोई भी आपको बिल फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं मारनी है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद जब बिल एंडोर्स करोगे तो हम एंट्री मारेंगे क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल,
लेकिन भाई अगर हम डेटर है तो क्या हमें फर्क पड़ता है कि सामने वाला क्या कर रहा है उस बिल के साथ? नहीं पड़ता, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले को जो करना है वो करे, हमको 1 लाख देना है, जो भी हमारे पास आएगा हम उसको 1 लाख दे देंगे, कहानी खत्म। तो यहां पर हमें कोई भी एंट्री नहीं मारनी बिल को एंडोर्स करने की, ठीक है? सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको ये जनरल एंट्री समझ आ गई है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आते हैं, जो कि बोलता है आपने 20,000 का गुड्स बेचा सुमित को 1 जनवरी 2017 को, और बिल जो है वो 3 महीने के लिए आपने ड्रॉ कर दिया। सुमित ने बिल को एक्सेप्ट किया, ठीक है? सुमित ने मैच्योरिटी में एक्सेप्ट किया। अब आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है? अब आपको जनरल एंट्री से रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले अमित के अकाउंट में हम जनरल एंट्री मारेंगे, यानी कि मान के चलो हम अमित है, हम अमित है, हमने सुमित को 20,000 रुपये का गुड्स बेच दिया। सबसे पहले एंट्री हम क्या मारेंगे? सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल है। इसके बाद हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? क्योंकि हमने सेल किया था तो हमको पैसा मिलने वाला है, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, और बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। तो सेकेंड एंट्री पास होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, क्योंकि सुमित हमें बिल रिसीवेबल दे रहा है, ठीक है? फिर क्या हुआ, अमाउंट रिटेन द बिल टिल डेट ऑफ और कलेक्टेड डायरेक्टली। हमने बिल को अपने पास रखा, बैंक को नहीं दिया, बिल को अपने पास रखा और मैच्योरिटी में ले गए। तो जब मैच्योरिटी में ले गए तो हमें क्या मिला, कैश या फिर बैंक? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हमको क्या देना पड़ा, बिल्स रिसीवेबल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री होगी। अब जब आपने बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से, तो बैंक ने क्या कहा कि मैं 12% पर एनम पे डिस्काउंट करूंगा। बैंक ने कमीशन मांगा 12% पर एनम। पहली एंट्री सेम होगी सुमित टू सेल्स, क्योंकि बेचा तो हमने है ही। दूसरी एंट्री भी सेम होगी बिल्स रिसीवेबल टू सुमित, क्योंकि हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आया। अब जो तीसरी एंट्री होगी वो अलग होगी, वो यहां पर होगी। ये देखो, पहला सुमित टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू सुमित। तीसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट हमने ऊपर ओपन किया था, नीचे क्लोज कर दिया। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक हो गया डेबिट, और डिस्काउंट देंगे तो आ गया डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट निकाला है 12% के हिसाब से, तो आप डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 20,000 का 12% आ गया 2,400, और आपका जो बिल है वो है 3 महीने का, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 600 रुपये। तो 600 रुपये का डिस्काउंट मिला और बैंक में बाकी का पैसा आ गया, सिंपल है। अब जो सामने वाली पार्टी है वो क्या बिल्स डिस्काउंट की एंट्री मारेगी? नहीं मारेगी। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप बिल डिस्काउंट कराओ या कुछ भी कराओ, उसको तो 20,000 देना है, वो 20,000 देगा और उसका कहानी खत्म, ठीक है? फिर अगर आपने बिल को एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, तो आप पहला दो एंट्री तो सेम मारोगे, उसके बाद क्रेडिटर को कर दोगे डेबिट, और आप जो है बिल्स रिसीवेबल को कर दोगे क्रेडिट। सिंपल है, ये भी आपको समझ आ गया होगा, है ना? क्रेडिटर को कर देंगे डेबिट और बिल्स रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट। अब दोस्तों जब हम एंट्री मारेंगे बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन, तो पहली दो एंट्री तो सेम होगी, फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होगा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब सुमित के बुक में जब एंट्री पास करेंगे तो सुमित के लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, ठीक है? बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी, तो बिल्स पेबल क्या होगा, क्रेडिट। पहली एंट्री आएगी परचेस किया है इसने, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित। दूसरी होगी अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये दो एंट्री हर कॉन्सेप्ट में होगी। फिर आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अगर सामने वाले ने डिस्काउंट कराया तो भी हमको यही 3 एंट्री मारनी है, क्योंकि
क्योंकि हम डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं मानते। सामने वाले ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन भेजा तो भी हमें तीन ही एंट्री मारनी है क्योंकि हम बिल सेट फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं मारते। अगर सामने वाले ने बिल क्रेडिटर को दे दिया तो भी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें तो अपना पैसा 20,000 देना ही है, तो हम यही तीन एंट्री मारेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर वन, कहानी खत्म। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर टू में। मार्च 15, 2017, रमेश ने 8,000 गुड्स बेचा दीपक को ऑन क्रेडिट। दीपक ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया 3 महीने। 3 महीने के बाद दीपक को पैसा जो है वो देना होगा। किसको देना होगा? रमेश को। ठीक है, रमेश ने सेल्स किया दीपक को, तो दीपक ने परचेस किया, रमेश ने सेल किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सेल कर रहा है, कौन परचेस कर रहा है। फिर ऑन अप्रैल 15, रमेश एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रिएटर पूनम इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेब्ट ऑफ 8,250 रुपीज। यानी कि मैं अगर रमेश हूं तो सबसे पहले मैंने सेल किया और बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, फिर मैंने पूनम से सामान खरीदा था तो पूनम को ये बिल धरा दिया, पैसा नहीं दिया। पूनम को बोला देख भाई, मैंने किसी पार्टी को सेल किया, उसने मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, अब मैं तेरे से खरीद रहा हूं, यानी कि तू मेरे को सेल कर रही है, तो मैं तेरे को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूँ। तो मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज पूनम को दे दिया 8,250 रुपीज में। अब जो पूनम है उसने डिस्काउंट करा लिया बिल को बैंक के साथ 12% पर एनम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट कब कराया? अप्रैल 15 को कराया। बिल कब का है? मार्च 15 का है। बिल था 3 महीने का, लेकिन अप्रैल 15 को डिस्काउंट कराने की वजह से 2 महीने का बिल रह गया। 1 महीना तो ऑलरेडी निकल गया, मार्च 15 से अप्रैल 15 1 महीना निकल गया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बच गया। तो इंटरेस्ट जो पूनम को लगा होगा ना, वो 2 महीने के हिसाब से लगा होगा। अब जब ड्यू डेट आया तो दीपक ने पैसा दे दिया। अब आप मेरे को बताइए कि दीपक पैसा किसको देगा? क्या दीपक पैसा रमेश को देगा? नहीं, क्योंकि रमेश के पास बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। रमेश ने दे दिया पूनम को। क्या दीपक पैसा पूनम को देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पूनम ने वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो पूनम के पास भी बिल नहीं है, बिल है बैंक के पास, तो दीपक पैसा देगा सीधा बैंक को। सिंपल है। अब आपको यहां पर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है रमेश, दीपक और पूनम के अकाउंट में। सबसे पहले आते हैं रमेश के अकाउंट में जिसने सेल किया था। सेल की एंट्री पास कर दो, दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल। बिल्स रिसीवेबल की एंट्री पास कर दो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू दीपक। अब अगर मैं रमेश हूं तो मैंने क्या किया, ये बिल को पूनम को दे दिया, पूनम को दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका क्रेडिट 8,000 रुपए से। पूनम का बैलेंस था 8,250, हमने फुल सेटलमेंट में दिया है, यानी कि हमें 8,250 देना था, हमने बोला हम 8,000 देंगे पूनम, उसके बाद तेरा और मेरा कहानी खत्म। तो पूनम को हमने 8,000 दिया और हमको डिस्काउंट मिल गया 250 रुपए का। और जो बिल्स रिसीवेबल मार्च 15 को डेबिट हुआ था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और जो पूनम का अकाउंट बचा था उसको हमने 8,250 से डेबिट कर दिया। तो पूनम का अकाउंट पूरा क्लोज हो गया, बिल्स रिसीवेबल भी पूरा क्लोज हो गया, और जो बैलेंस बच गया वो चले गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। अगर मैं दीपक की बात करूं तो दीपक को क्या कोई तामझाम करना है? नहीं करना, उसको तो पैसा देना ही है, तो वो तीन एंट्री पास करेगा, परचेस डेबिट टू रमेश, रमेश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बैंक। हमेशा पैसा देने वाले को कोई झंझट नहीं होती है एंट्री पास करने की। ठीक है, फिर पूनम के एंट्री पास करेगी। पूनम को जब बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, क्योंकि पूनम ने हमें 250 रुपए का डिस्काउंट दिया था, याद है जब हम रमेश थे तब। टू रमेश अकाउंट, पूनम ने रमेश का अकाउंट क्लोज कर दिया 8,250 से। पूनम के बिल्स रिसीवेबल में आ गया 8,000 और पूनम का डिस्काउंट अलाउड हो गया 250। पूनम गई बैंक के पास और बैंक से बिल को करा लिया डिस्काउंट, तो पूनम ने बैंक से पैसा ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 8,000। अभी
ये 80 रुपये कहाँ से आया बिल्स डिस अलाउ का? जब बिल का डिस्काउंट हम निकाल रहे हैं, बैंक ने ये 80 रुपये कैसे निकाला होगा? तो ये जानने के लिए आपको पहले क्वेश्चन में परसेंट पढ़ना होगा। 12% बैंक बोल रहा था, तो 8,000 का 12% 2 महीने के लिए निकाल लिया आप, कितना आ रहा है? 8,000 12% दोस्तों, यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट को 7920 से डेबिट कर रखा है, डिस्काउंट अलाउड को 80 रुपीज से डेबिट कर रखा है ना। तो 8,000 का 12% डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने का 80 आता है। लेकिन दोस्तों, कायदे के हिसाब से अगर पूनम को हमने मार्च 15 का बिल अप्रैल 15 को दिया, तो 3 मंथ्स बच रहे थे, तो 3 में से 2 महीने बचे ना भाई। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर पूनम ने मई 15 को डिस्काउंट कराया है। अच्छा, क्वेश्चन में मई 15 को डेट दी गई है, तो अभी बिल का तो 1 ही महीना बचा ना, तो 1 महीने के हिसाब से 80 रुपीज आएगा। सही है आंसर, बिल्कुल सही है आंसर, में कोई भी गलती नहीं है, 1 महीने का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेट लिखा हुआ है मई। ठीक है, फिर आता है एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि मैच्योरिटी डेट में सामने वाले ने बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे पास पैसा नहीं है तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब अगर मेरे पास बिल्स रिसीवेबल था और मैं पैसा लेने गया, मेरे को पैसा नहीं मिला, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मेरे को वापिस से बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करना होगा और सामने वाले पार्टी के बैलेंस को वापस से खड़ा करना पड़ेगा। तो अब मैं बिजनेस रिसीवेबल को मार दूंगा क्रेडिट और सामने वाली पार्टी को मार दूंगा, मंजू को मार दूंगा डेबिट। ठीक, मान के चलो मैंने बिल को एंडोर्स कर दिया था किसी को, मैंने बिल को एंडोर्स कर दिया था संध्या को, और संध्या पैसा लेने गई, पैसा तो मिला नहीं, संध्या हमारे पास आई, संध्या बोलती है कि भाई साहब अंजू पैसा नहीं दे रही है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने वापस से दोनों के अकाउंट को खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा किया? मंजू अकाउंट कर दिया हमने डेबिट, क्योंकि मंजू से पैसा लेना है, और क्रेडिट कर दिया संध्या का अकाउंट, क्योंकि संध्या को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मंजू संध्या को पैसा दे देती तो हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन मंजू ने संध्या को पैसा नहीं दिया, तो अब हमें दोनों के बैलेंस को वापिस लाना पड़ेगा। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस था उसको हमने कर दिया क्रेडिट, जिसका डेबिट बैलेंस था उसको हमने कर दिया डेबिट, और दोनों का बैलेंस आ गया वापस। ठीक है, अब जब बिल डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक लेने जाता है, बैंक बोलता है कि भाई साहब मंजू ने फ्रॉड किया है, मंजू ने हमें पैसा नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से मंजू के अकाउंट को मारेंगे डेबिट, और बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक को मार देंगे क्रेडिट। ठीक है, अगर हमारा बिल कलेक्शन के लिए गया है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट हमने पहले मारा था डेबिट, तब अब हम मारेंगे क्रेडिट और वापस से मंजू के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। यानी कि अगर आप ये चारों सिचुएशन में देखो, तो एक बात कॉमन है, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो सामने वाली पार्टी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है। फिर जो क्रेडिट होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर बिल है तो बिल से रिसीवेबल क्रेडिट होगा, अगर क्रिएटर को दिया है तो क्रिएटर का अकाउंट आएगा, डिसऑनर हुआ है तो बैंक का अकाउंट आएगा, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आएगा। यहाँ पे आता है इलस्ट्रेशन नंबर 3। जनवरी 1, 2017 साहिबा ने विशाल को भेजा 10,000 का गुड्स और 2 महीने का बिल ड्यू कर दिया। विशाल ने बिल एक्सेप्ट किया और साहिबा को दिया। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय विशाल। The necessary generalities in all the cases listed below in the books of Saiba and Vishal. सेल कौन कर रहा है? साइबा। बिल्स रिसीवेबल किसके लिए होगा? साइबा के लिए। परचेस कौन कर रहा है? विशाल। बिल्स पेबल किसके लिए होगा? विशाल के लिए। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर बिल मैच्योरिटी तक रखा, उसके बाद डिसऑनर हो गया, तो एंट्री पास सेम होगी, विशाल टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू विशाल,
और विशाल टू बिल्स रिसीवेबल, कहानी खत्म। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था सेम एंट्री है। अगर बिल डिसऑनर होता है साइबा का डिस्काउंट कराया 200 रुपये में, तो पहले विशाल टू सेल्स, फिर बिल्स रिसीवेबल टू विशाल, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल फिर विशाल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल था। आई होप आपको समझ आया कि ये एंट्री कैसे पास हो रही है साइबा के अकाउंट में। साइबा ने सेल किया तो पहली एंट्री, साइबा को बिल रिसीवेबल मिला तो दूसरी एंट्री, साइबा ने बिल को डिस्काउंट कराया तो साइबा को कैश मिला तो तीसरी एंट्री, और साइबा को विशाल को पैसा दे, मतलब साइबा को अब बैंक को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि विशाल ने बैंक को पैसा नहीं दिया है। तो विशाल को कर दिया वापस डेबिट, बैंक को कर दिया क्रेडिट। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, जब बिल एंडोर्स किया है साइबा ने लाल चंद, तो पहली दो एंट्री तो सेम होगी, तीसरी एंट्री आएगी लाल चंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और चौथी एंट्री आएगी विशाल अकाउंट डेबिट टू लाल चंद अकाउंट। तीसरी एंट्री लाल चंद को डेबिट मार दिया क्योंकि लाल चंद को पैसा देना था, तो लाल चंद को डेबिट मार दिया और पैसे के बदले बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो जब भी पैसा जाता है तो क्या होता है क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है तो क्या होगा क्रेडिट। सिंपल है। फिर मार्च चाल विशाल अकाउंट को कर दिया डेबिट, क्यों? क्योंकि हमें विशाल का बैलेंस वापस से खड़ा करना था और लालचंद का बैलेंस भी वापस से खड़ा करना था क्योंकि विशाल ने लालचंद को पैसा नहीं दिया, तो ये वापस से लालचंद का अकाउंट हो गया क्रेडिट। सिमिलरली विशाल के बुक में जो एंट्री पास होगी, अगर विशाल ने डिसऑनर कर दिया है तो पहली एंट्री होगी परचेज टू साहिबा, साहिबा टू बिल्स पेबल, और फिर बिल्स पेबल टू साहिबा, वापस से साहिबा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि अभी तक इसने पैसा नहीं भरा था। इसके बाद आता है नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट, जो कि ये बोलता है कि जो भी नोटिंग चार्जेस होते हैं वो लगते हैं डिसऑनर के समय। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हमें नोटिंग चार्जेस देना पड़ता है। तो इसके लिए अगर नोटिंग चार्जेस, मतलब क्या होता है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है ना, तो एक नोटरी आता है, वो लिखता है कि बिल की अमाउंट इतनी थी, बिल का डेट ये था और बिल डिसऑनर हो गया है, तो ये डेट लिखता है, डिसऑनर हुआ है कि नहीं वो लिखता है, और अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस जो है वो भी लिखता है। तो यहाँ पर जब भी ड्रॉवर, बिल का ड्रॉवर पे करता है नोटिंग चार्जेस, तो वो ड्रॉवर पे करेगा तो ड्रॉवर का एक्सपेंस थोड़ी है, वो ड्रॉवर की गलती थोड़ी थी कि बिल डिसऑनर हो गया, गलती किसकी थी? ड्रॉई की थी। तो पैसा कौन भरेगा? ड्रॉई। लेकिन अभी हम दे रहे हैं ड्रॉई के बदले, यानी कि हम सामने वाले के बदले अभी पैसा दे रहे हैं, फिर सामने वाले से पैसा ले भी लेंगे, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री को अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ड्रॉई को पैसा दे रहा हूं। सही बात है ना? अगर मेरे को नोटरी चार्जेस पे करने हैं और फिर वही नोटरी चार्जेस मेरे को सामने वाले से वसूलने भी है, तो मैं सीधा यही बोलूंगा ना कि मैं सामने वाले को पैसा दे रहा हूं और सामने वाला वो पैसा मेरे को वापस देगा। तो यहां पर पहली एंट्री होगी ड्रॉई टू कैश। अगर बिल एंडोर्स हुआ है और एंडोर्सी पे कर रहा है, तो हम मारेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। क्यों मारेंगे ये एंट्री? देखो, ड्रॉई का एंट्री हर में डेबिट होगा क्योंकि फाइनली जब भी बिल डिसऑनर होता है तो नोटरी चार्जेस ड्रॉवी ही भरता है, क्योंकि ड्रॉई ने साइन मारा था कि मैं आपको पैसा दूंगा, अब ड्रॉई पैसा नहीं दे रहा है, तो ड्रॉई का अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा। क्रेडिट कौन सा होगा? अगर ड्रॉवर ने खुद पे किया तो कैश, अगर ड्रॉवर ने किसी और को दिया था तो उसने पे किया तो उसका नाम आ जाएगा। ड्रॉवर ने बिल को एंडोर्स कर दिया, सामने वाले का बिल डिसऑनर हो गया, तो अभी जो बिल उसने नोटरी चार्जेस पे किए होंगे ना सामने वाले ने, तो सामने वाले का जो भी नोटरी चार्जेस है वो पे किया होगा सामने वाले ने, तो उसको हमें देना होगा, तो वो हम कर दिए उसको क्रेडिट। फिर बैंक अगर डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो टू बैंक। व्हेन द बैंक पेज इन द इवेंट ऑफ सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, जब बिल फॉर कलेक्शन के लिए है तो भी बैंक अकाउंट ही आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और इसको फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक है। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहे तो एग्जाम्पल देख सकते हो।
बिल मैच्योरिटी तक रखा, बिल डिस्काउंट करा लिया और बिल एंडोर्स कर दिया। तीन चीजें यहाँ पर की है आजाद ने। कितने का बिल था? 3 महीने का था भाई साहब, 15,000 रुपये का था। बिल डिसऑनर हो गया मैच्योरिटी में और 50 रुपये नोटरी चार्जेस भी लग गए। तो पहले केस में नोटरी चार्जेस तो आजाद पे करेगा, तो वो हो जाएगा ड्रॉई टू कैश। आइए देखते हैं। तो ये हो गया ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हालांकि इसने कंबाइन एंट्री मार दी है, लेकिन आप अलग भी मार सकते हो। ये देखो 50, 15,000 और 15,050, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे में, अगर बैंक से डिस्काउंट कराया है तो यहाँ पर अब आएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है, 15,050, ठीक, 15,050 से ही एंट्री पास होगी। तीसरा, अगर बिल एंडोर्स हो गया तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी 22 चित्रा। चित्रा हमारे लिए एंडोर्सी है, 15,050। कहानी खत्म। अगर बंटी के बुक में एंट्री मारना होगा तो एक ही बार एंट्री मारेंगे और सब में वही एंट होगा। परचेज टू आजाद, आजाद टू बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा आप, क्योंकि जिसकी वजह से गलती हुई है ना उसके लिए ये एक्सपेंस है। तो उसने एक्सपेंस को बुक कर दिया और टू कर दिया जैक अकाउंट 15,050 रुपए से, ठीक है। फिर आता है नया कॉन्सेप्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी कि बिल एक बार कैंसिल हो जाता है और फिर से नया बिल बना लेते हैं। ऐसा कब करते हैं कि क्योंकि अगर मान के चलो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि सामने वाला भी पैसा नहीं दे पा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम कर, तू 3 महीने में नहीं दे पाया तो अगले 3 महीने में तो दे ही देना, तो मैं अपने बिल को रिन्यू करा लेता हूँ, ठीक है। जब भी रिन्यू होता है तो उसके लिए भी एंट्रीज पास होती है। देखो सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल होगा, ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और ड्रॉई के अकाउंट में बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट हो जाएगा, यानी कि बिल को है हम कैंसिल कर रहे हैं। फिर इंटरेस्ट अगर चार्ज होगा तो इंटरेस्ट, अगर ड्रॉवर है तो ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर ड्रॉई है तो उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, ठीक है। तो एंट्री होगी ड्रॉई टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। फिर नया बिल जब पास करेंगे तो फिर से बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई और ड्रॉवर्स टू बिल्स पेबल सेम होगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर आता है रिटायरिंग ऑफ बिल। बिल रिटायर कब होता है? जब उसका नॉर्मल टर्म खत्म हो जाता है तब, उसके पहले बिल रिटायर होता है। अभी रिटायरिंग ऑफ बिल का क्या मतलब है? मैंने जब सामान बेचा था, मैंने लिख के दिया कि तुम 3 महीने में मेरे को 1 लाख रुपए दे देना, उसने साइन भी कर दिया, वो 2 महीने बाद आता है बोलता है मेरे पास तो अभी पैसा है, मैं आपको अभी दे दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया? रिटायरिंग ऑफ बिल। बिल को समय से पहले ही इन्होंने पे ऑफ कर दिया और बिल का रिटायर कर दिया, ठीक है। तो जब भी बिल को रिटायर कर देते हैं तो रिटायरिंग के समय क्या एंट्री मारते हैं? कैश आएगा क्योंकि सामने वाला पैसा दे रहा है, रिबेट ऑन बिल आएगा क्योंकि सामने वाला कम पैसा देगा, और फिर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। अगर बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू रिबेट ऑन बिल्स यानी कि इसके लिए जो भी रिबेट है वो हो गया इसका इनकम, क्योंकि इसने समय से पहले पैसा दे दिया तो इसको इनकम मिलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और एग्जाम्पल दिया गया है, आप चाहो तो उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों आता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसको हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए इस सेशन का। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।